हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट 3 वन प्लस के जबरदस्त 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिनकी प्राइस आपको मार्केट में 20,000 से 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको सारे फीचर्स ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लाइक फ्लेक्सिबल लेवल तक की डिस्प्ले, बेस्ट कैमरे की क्वालिटी, तगड़ा पावरफुल 5G प्रोसेसर और अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी के टाइम पर आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएं, तो ये वीडियो आप ही के लिए रहेगी। इस वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 जबरदस्त वन प्लस के स्मार्टफोन। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी या फिर नीड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये वन प्लस का एक जबरदस्त स्मार्टफोन रहेगा, वन प्लस नोट 5G। मोबाइल फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ आपको सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएंगे। वन बाई वन आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर फ्लूड MOLED पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ HDR10 प्लस का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 1450 पीक ब्राइटनेस मिलेगी, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर रन करेगी, 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। ओवरऑल मोबाइल फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4 नैनोमीटर वाला MediaTek Dimensity 9000 ऑक्टाकोर पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। LPDDR5X की रैम मिल जाएगी। मोबाइल फोन Android V13 पर आएगा और ऑक्सीजन OS पर रन करेगा। UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, इसमें आप हैवी से हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही साथ मोबाइल फोन के कैमरे में आपको OIS का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो सपोर्ट करेगी 80W फास्ट चार्जर को। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8.1mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 193 ग्राम मोबाइल फोन का वेट देखने को मिल जाएगा। Dolby Atmos की तरफ से डुअल स्पीकर मिलेंगे। मोबाइल फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक मिसिंग रहेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में, तो मोबाइल फोन का 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 22,499 रुपीज। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये वन प्लस का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन रहेगा, वन प्लस नोट CE4 5G। ये स्मार्टफोन भी जबरदस्त फीचर के साथ आता है। मोबाइल फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएंगे। वन बाई वन आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला MOLED पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ HDR10 प्लस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर रन करेगी। ओवरऑल मोबाइल फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4 नैनोमीटर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ऑक्टाकोर पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। LPDDR4X की रैम मिल जाएगी। मोबाइल फोन Android V14 पर आएगा और ऑक्सीजन OS पर रन करेगा। UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आपको एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, इसमें भी आप हैवी से हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको डुअल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही साथ मोबाइल फोन के कैमरे में आपको OIS का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 5500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो सपोर्ट करेगी 100W फास्ट चार्जर को। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8.4mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 186 ग्राम मोबाइल फोन का वेट देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक मिसिंग रहेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में, तो मोबाइल फोन का 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 24,999 रुपीज। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि वन प्लस का एक जबरदस्त पावरफुल स्मार्टफोन रहेगा, वन प्लस 11R। मोबाइल फोन में सारे फीचर्स टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर फ्लूड MOLED पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ HDR10 प्लस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर रन करेगी। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो
मिलेगा, 1450 पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4 नैनोमीटर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 ऑक्टाकोर पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। LPDDR5X की रैम मिल जाएगी। मोबाइल फोन एंड्रॉइड V13 पर आएगा और ऑक्सीजन OS पर रन करेगा। UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, इसमें भी आप हैवी से हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही साथ मोबाइल फोन के कैमरे में आपको OIS का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो सपोर्ट करेगी 100W फास्ट चार्जर को। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8.7mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 205g मोबाइल फोन का वेट देखने को मिल जाएगा। Dolby Atmos की तरफ से डुअल स्पीकर मिलेंगे। मोबाइल फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक मिसिंग रहेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में, तो मोबाइल फोन का 8GB+128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 30,499 रुपीज। दोस्तों ये थे हमारी लिस्ट के 3 जबरदस्त वन प्लस के स्मार्टफोन। आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।